नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो आइए देखते हैं क्या था इम्पोर्टेंट आज के पेपर में हमारे एग्जाम से रिलेटेड। साथ में देखेंगे दिस डे इन हिस्ट्री, आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट था इतिहास में। सम फैक्ट्स ऑफ बिहार में देख रहे हैं हम बिहार का स्टैटिक पोर्शन। क्विक रिविजन करेंगे, आर्ट एंड कल्चर एट ग्लांस में कोई एक डांस डिस्क्राइब करेंगे, फिर फर्स्ट इन बिहार जो सेगमेंट चल रहा है उसे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स बिगिन। टॉप हेडलाइंस फर्स्ट, एन एक्सपर्ट टीम टू विजिट आंध्र प्रदेश, ईवीएम बेस्ट फॉर इलेक्शन सेज नीतीश कुमार। रुपीज 33.43 करोड़ टू बी इन्वेस्टेड ऑन वीर चंद्र पटेल पथ। फूड लैब इन अगम कुआं टू बी मॉडर्नाइज, FSSAI टीम विल विजिट। सो द फर्स्ट न्यूज इज एक्सपर्ट टीम टू विजिट आंध्र प्रदेश ऑन सेकेंड डे ऑफ फास्ट अनटू डेथ For lifting ban on feces from Andhra Pradesh, a decision was taken that an expert team will visit Andhra Pradesh to test the samples of feces that enters the state of Bihar. This has affected the fish of Bihar also. तो अभी जो आंध्र प्रदेश से इम्पोर्ट हो रही थी फिसेस बिहार में सेल के लिए, तो क्या किया गया है, क्योंकि उस फिसेस में फॉर्मलिन, लेड, कैडमियम ये सब पाया गया था, तो उसे बैन कर दिया गया। बट फिर आंध्र प्रदेश में क्या हुआ कि सैंपल को टेस्ट किया गया और उन्हें कुछ भी एविडेंस नहीं मिला कि उसमें फॉर्मलिन है। तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने हमारे स्टेट गवर्नमेंट को अर्ज किया था कि आप लिफ्ट ये जो बैन है उसको हटा दीजिए। तो उसी के लिए अभी फास्ट एंड टू डेथ चल रहा है। अभी क्या हो रहा है कि फिशेज जो आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल से आते थे वो तो बैन हो गए हैं, लेकिन बिहार के फिशरमैन जो हैं उनको भी, उनका भी बिजनेस हैम्पर हुआ है। वो इसलिए क्योंकि कॉमन मैन जो होते हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फिश आंध्र प्रदेश का है, कौन सा फिश वेस्ट बंगाल का है, कौन सा फिश बिहार का है। तो वो लोग जब न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि देख रहे हैं कि फिश में फॉर्मेलिन, कैडमियम ये सब पाया जा रहा है, तो वो लोग फिश ही नहीं खरीद रहे हैं। तो फिश का जो सेल है वही हैम्पर हो गया है। तो सारे लोग मिलके अभी बैन को लिफ्ट कीजिए ऐसा स्ट्राइक चल रहा है वहां पे, फास्ट एंड टू डेथ स्ट्राइक कर रहे हैं। तो देखते हैं कब होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि अब ठीक है, एक एक्सपर्ट टीम जाएगी आंध्र प्रदेश, विजिट करेगी और देख, अगर वहां पे कोई सैंपल नहीं, कोई एविडेंस नहीं मिलेगा तो बैन को लिफ्ट कर दिया जाएगा। सो नेक्स्ट न्यूज, ईवीएम बेस्ट फॉर इलेक्शन सेज सीएम नीतीश कुमार। तो सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि ईवीएम जो होता है वो बेस्ट होता है इंडिया के लिए। अभी फिलहाल ईवीएम जो है वो बेस्ट है इलेक्शंस के लिए। ये मोस्ट ट्रांसपेरेंट वे है, ये जो वे है ये मोस्ट ट्रांसपेरेंट वे है। इसमें कोई चांसेस नहीं है टैम्परिंग का और हैकिंग का भी नहीं। तो हमारे इंडिया में अभी तो फिलहाल ईवीएम से ही इलेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट, रुपीज 33.43 करोड़ टू बी इन्वेस्टेड ऑन वीर चंद्र पटेल पथ। अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वीर चंद्र पटेल पथ ऑफ पटना विल बी डेवलप्ड एज स्टेट ऑफ आर्ट रोड। दिस विल कॉस्ट अराउंड रुपीज 33.43 करोड़। तो क्या हुआ है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो पटना है उसमें वहां पे वीर चंद्र पटेल पथ को स्टेट ऑफ आर्ट के तरह, आर्ट रोड के तरह डेवलप किया जाएगा। उसके लिए गवर्नमेंट देने वाली है 33.43 करोड़ और इसको बनाया जाएगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, आपको बताना है, आपको ध्यान ये रखना है कि बिहार में कौन से जगहों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सो फूड लैब इन अगम कुआं टू बी मॉडर्नाइज्ड, FSSAI टीम विजिटेड। So FSSAI team visited Agam Kuwa in wake of decision that this food lab will be modernized. New technological equipments has to be set that will test the presence of chemicals and heavy metals. The capital invested will be 10 crores. So FSSAI ki team jo aayi thi, wo aayi thi Agam Kuwa, wahan ke jo food lab hai usko modernize karne ke liye. Food lab kaise modernize karenge? Wahan pe new टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट डालेंगे। अभी जो केमिकल्स और हैवी मेटल्स हैं उसका टेस्ट अच्छी तरह से नहीं हो पाता, इसीलिए कुछ न्यू मशीनरीज वहां पे डाले जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट क्या है कि वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगी और वो है 10 करोड़। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, दिस डे इन हिस्ट्री, आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट था, तो देखते हैं।
ओके सो 1924 में क्या हुआ था, सी बी मुथम्मा जी इनका बर्थ हुआ था. और ये कौन थी, ये थी इंडिया की फर्स्ट IFS ऑफिसर. जैसे हम जानते हैं कि इंडिया की फर्स्ट IPS ऑफिसर किरण बेदी जी हैं, वैसे ही इंडिया की फर्स्ट IFS ऑफिसर सी बी मुथम्मा जी हैं. उनका बर्थ हुआ था 1924 में. 1950 में क्या हुआ था, 1950 में क्या हुआ था कि जनगण मन को एडॉप्ट किया गया था एज अ नेशनल एंथम, और राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए. फिर 1965 में क्या हुआ था, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के विंस्टन चर्चिल, उनका डेथ हो गया था. वो नोबेल लॉरिएट भी थे, लिटरेचर लिखते थे, उनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था. फिर 1966 में होमी भाभा, जो फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उनको पद्म भूषण मिला था, उनका डेथ हुआ था. तो ये याद रखेंगे यहाँ पे एक चीज कि फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कौन थे, वो थे होमी भाभा, होमी जहांगीर भाभा. ठीक है, नेक्स्ट. सो सम फैक्ट्स अबाउट बिहार, देखते हैं क्या है. लिच्वीज ऑफ वैशाली, नहीं लिच्वीज नहीं, वैशाली ऑफ लिच्वी यहाँ पे होगा. वैशाली ऑफ लिच्वी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई किंग विशाल, सन ऑफ इक्ष्वाकु. जो वैशाली है वो, उसको उसका एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, तो किंग विशाल ने किया था, वो इक्ष्वाकु के सन थे. नेक्स्ट, 7 BCE में वैशाली को चेंज कर दिया गया रिपब्लिक में. तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक है. तो देखिए बिहार में वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक है जो कि वैशाली है, ये याद रखेंगे. द कैपिटल ऑफ वज्जी इज वैशाली, वज्जी का जो कैपिटल है वो वैशाली है, और मॉडर्न डे का वैशाली और मुजफ्फरपुर तक ये फैला हुआ है. इसकी बाउंड्रीज जो हैं वैशाली से लेके मुजफ्फरपुर तक की हैं. फिर लिच्वी वॉज मोस्ट सुप्रीम ऑफ ऑल काउंसिल, जो 8 काउंसिल थे उसमें से लिच्वी सबसे सुप्रीम काउंसिल था. वैशाली वॉज रिच प्रॉस्पेरस डेंसली पॉपुलेटेड सिटी दैट हैज बीन मैंशनड इन महाभाग जातक. ठीक है, महाभाग जातक में मैंशनड है. और इसके पास ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स थी, चैत्य थे, विहार भी थे. और एक पन्ना जो जातक है इसमें मैंशनड है कि वैशाली वॉज वॉल्ड फ्रॉम 3 साइड्स. तो विल कीप दिस इन माइंड. नेक्स्ट क्विक रिविजन करते हैं, आज क्या पढ़ा है हम लोगों ने. अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पटना विल बी डेवलप्ड एज स्टेट ऑफ आर्ट. तो कौन सा जगह है जो स्टेट ऑफ आर्ट डेवलप किया जाएगा. फूड लैब कहाँ मॉडर्नाइज होगी. कब जनगण मन को नेशनल एंथम घोषित किया गया था, अडॉप्ट किया गया था. स्मार्ट सिटीज ऑफ बिहार कौन कौन से हैं. तो स्मार्ट सिटी कहाँ बनेगा, वीरचंद्र पटेल में, पथ में, अगम कुआं वाला जो लैब है, फूड लैब, उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा. 1950 में जनगण मन को अडॉप्ट किया गया था नेशनल एंथम जैसा. और स्मार्ट सिटीज ऑफ बिहार जो हैं वो कौन कौन से हैं, पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर हैं. तो अभी फिलहाल 4 सिटीज़ हैं जो पटना में नहीं, बिहार में, जिसको स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा. नेक्स्ट, यही है आंसर से इसके. नेक्स्ट, आर्ट एंड कल्चर एंड ग्लांस, देखते हैं. सो आज है डोमकच डांस. सो डोमकच डांस जो है वो पॉपुलर डांस है बिहार और झारखंड का. इट इज जनरली परफॉर्म बाई मिथिला रीजन, भोजपुर रीजन, बिहार का जो मिथिला रीजन है और भोजपुर रीजन के लोग हैं वो डांस करते हैं. फिर नागपुरी पीपल जो है, छोटा नागपुर प्लेटू के, वो लोग भी ये डांस करते हैं. ये होता कब है, तो ड्यूरिंग मैरिज सेरेमनीज इन बिहार द फैमिली मेंबर्स ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम परफॉर्म दिस डांस. दे होल्ड देयर हैंड टूगेदर, फॉर्म अ सेमी सर्कल, डांस ऑन द लिरिक्स. The lyrics is satirical, people enjoy it a lot. तो क्या होता है कि शादी के टाइम में, शादी जो होता है तो उसमें जो दूल्हा और दुल्हन के परिवार वाले लोग हैं वो लोग अपने हाथ मिला लेते हैं और सेमी सर्कल बना लेते हैं, और जो लिरिक्स चलता है उस पर डांस करते हैं. तो ये नॉर्मल सा डांस है, उतना भी ये नहीं है कि बहुत धूमधाम के साथ स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं ये लोग. सिंपली एज अ फैमिली मेम्बर ये लोग डांस करते हैं. लिरिक्स जो होता है वो सैटायरिकल होता है. ग्रूम ग्रूम के साइड वाले लोग ब्राइड के साइड का क्रिटिसिज्म करते हैं, या नोकझोंक वाली कुछ बात करेंगे. ब्राइड सेम होता है, वाइस वर्सा होता है. ठीक है, तो यही चीज पीपल बहुत इंजॉय करते हैं बिहार में और झारखंड के लोग सब भी. तो ये वहां का फोक डांस है. सो नेक्स्ट, फर्स्ट इन बिहार.
ओके तो देखते हैं बिहार का फर्स्ट हिंदी डेली जो है वो है सर्वहितेशी, स्टार्ट हुआ था 1882 में। बिहार का पहला जो हिंदी न्यूज़पेपर है वो है बिहार बंधु, स्टार्ट हुआ था 1874 में। बिहार का फर्स्ट इंग्लिश डेली जो है वो है द सर्च लाइट। फिर बिहार का जो फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर है वो है बिहार हेराल्ड। तो बिहार के बारे में, यहाँ का न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर कब स्टार्ट हुआ, कौन सा है, ये याद रखेंगे हम लोग, एग्जाम में बहुत चांसेस है कि ये पूछा जा सकता है। सो ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग अस एंड अपडेटिंग योर सेल्फ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।